मेजोरिटी लोग अगर एक रुपया कमा रहे हैं तो दस रुपए दिखाते हैं और फिर लोगों को कोर्स बेचते हैं और अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा स्किल आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखा सकते हो 200 400 500 डॉलर कमाना तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीख ले कि पांच डॉलर कैसे कमाने हैं पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी और ये आपका गोल है अपनी फ्री यूनिवर्सिटी से इन मेरा प्लान ये है मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है पेट भरा हुआ है खाना खाते हैं अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूँ इंशाला वो ऐसी चीज होगी कि बहुत सारे लोग जो हर जाने में भी परेशान हो रहे हैं ना उनकी भी हम हेल्प करेंगे ये सब भूल जो जो बाकी जो नाम आते थे ना आपके पास इंटरनेट पे जो गाड़ी दिखा के वगैरह ये खत्म हो गए अच्छा टाइम खत्म इनका हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना अगर सीरियस बच्चे ने वैल्यू ले ली तीन से पांच हजार डॉलर बनाना बहुत इजी होगा पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में बैठ के बांग्लादेश श्रीलंका एनी वेयर यू लिविंग तीन से पांच हजार डॉलर बनाना इजी होगा

आज हम डिफरेंट सवाल पूछेंगे और और मैं इन डेप जाऊंगा और मैं इनको भी बल्कि कहूंगा पॉपुलरिटी में आए हो लोगों के अंदर उतने उतने लोगों के सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग इन डेप्थ आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं और आप लोगों ने एंड तक देखना है इफ यू वॉन्ट नो द रियल ट्रूथ अबाउट एवरी थिंग दैट पे जो आप सुन रहे हो आजकल काफी चीजों पर बात करेंगे जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी फ्री University, जो लॉन्च करना चाह रहे हैं गुड एम्पायर एंड लीडरशिप एंड लाइक रिलेशनशिप एवरीस्ट बिफोर वी स्टार्टिसोडाना मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम uh, पे भी फॉलो कर सकते हैं जो लोग पहली दफा देख रहे हैं आप अपना थोड़ा सा तारुफ करें इंट्रोडक्शन करेंदमानी और वॉट्सेंट uh, In brief words. साद आश्मानी बहुत ही एक नॉर्मल बंदा है छोटे घर से आया हूँ मैं दस साल मेहनत की है उसके बाद कुछ अकम्पलिश किया है और जो अकॉम्पलिश किया है उसको अगले चार साल तक छुपा के रखा है और फिर वो सारी चीजें आप लोगों ने डिस्क्लोज की हैं कुछ सोशल मीडिया पे और लोग हैं जिन्होंने डिस्कलोज किया है वैसे बाय एंड लार्ज देखा जाए तो मैं साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इनडेप वाला बंदा हूँ गहरी सोच रखने वाला बंदा हूँ तो ये जो सारा डांस और को आप देखते हैं ये गहरी सोच की वजह से पैदा हुआ है इसमें मेहनत का एलिमेंट जरूर है लेकिन मेहनत इन द राइट डायरेक्शन मैं लेकिन इससे बात एक सेगवे करना चाहूंगा आपने एक बात अभी की बड़े मजे की कि मैं एक सिंपल लाइफ गुजारता था थोड़ा थोड़ा सा करके चार सालों में और फिर उसके बाद अपने बिजनेस बिल्ड करने के बाद मैंने सिंपल लाइफ गुजारी और उसके बाद एकदम से यू केम आउट ऑफ नो हुए बहुत से लोग कहते हैं कि फेमलेस वेल्थ जो होती है ना वो बेस्ट होती है लेकिन आपका आई थिंक वैल्यूज इस पर डिफरेंट है क्या आपको एकदम से हुआ जब लाइफ में सब अचीव करी

सिखाया है ये ना देखो कौन कह रहा है ये देखो क्या कह रहा है लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे डेवलप हो गई है कि वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है और फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है तो ये आप लोगों की कर्टिसी है कि कि आपने बता दिया कि कौन कह रहा है लेकिन यार आपको इससे नहीं लगता कि ये मसला भी काफी ज्यादा आता है कि आप बहुत ज्यादा फेक गुरुज और फेक फाइनेंशियल एडवाइजर उससे भी राइज लेते हैं कोई भी थोड़े से पैसे दिखा के कोई भी थोड़ी सी गाड़ी दिखा के कोई भी बच्चों को गलत रास्ते पर लगा सकता है उसके बारे में क्या कहोगे गया बिल्कुल सही कह रहे हो और हो यही रहा है मेजोरिटी लोग अपनी अगर एक रुपया कमा रहे हैं तो दस रुपए दिखाते हैं और फिर लोगों को कोर्स बेचते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं अल्टीमेट एजेंडा होता है कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आना मार्केट में मैंने इस गेम को पूरा चेंज कर दिया है और मैंने चैलेंज किया है उस सारे कोर्स माफिया को कि भाई इफ यूर अकोप्लिश्ड एंड इफ यूर एक्चुअली समवन हुमसेल्फ अगर तुम अपने शॉपिफाई के बिजनेस से Amazon के बिजनेस से क्रिप्टो के बिजनेस से और व्हाटएवर यू डू रियल स्टेट एटसेट्रा अगर तुम उससे पांच मिलियन डॉलर कमा रहे हो साल के अभी महीने पे बात ही नहीं है हम साल की बात करते हैं अगर तुम साल के पांच मिलियन डॉलर कमा रहे हो तुम्हें किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अंडर प्रिविलेज आवाम से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है ये फ्लो मनी रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए तुम्हें वहां चैरिटी करनी चाहिए अपने 5 मिलियन डॉलर से तुम्हें वहां से प्रोडक्ट लॉन्च करके बिजनेस नहीं निकालना चाहिए और अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा स्किल आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखा सकते हो 200 400 500 डॉलर कमाना तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीख ले कि 500 डॉलर कैसे कमाने हैं पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी बिकॉज जो बच्चा कमाएगा वो फॉरन एक्सचेंज आएगा वो पूरा मार्केट इकोनॉमी में स्पेंड होगा ईद की शॉपिंग होगी कपड़े खरीदे जाएंगे ग्रोसरी खरीदी जाएगी जूते खरीदे जाएंगे हजारों चीजों पर खर्चा होगा वो

तो अल्टीमेट गोल ये है कि भाई वहां की इकोनॉमी फ्लरिश हो वेलोसिटी ऑफ मनी बने अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूँ इनशाला जब ये प्लान कंप्लीट होगा सितंबर तक वो ऐसी चीज होगी कि बहुत सारे लोग जो बाहर जाने में भी परेशान हो रहे हैं ना उनकी भी हम हेल्प करेंगे इनशा क्योंकि काफी ज्यादा लोग कहते हैं मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट पे भी सुना है कि यार आप तो बात करते हो आप तो प्रिवलेज थे आप तो ग्रीन कार्ड आपका लगा इमिग्रेशन आप सीधा यहाँ पे आ गए तो लोग कहते थे कि यार उनका क्या जो बाहर के मुल्क किसी भी मुल्क जा ही नहीं सकते सो वॉज दिस प्रोसेस बिहाइंड यू जस्ट मैं बच्चों को फिर इमिग्रेशन में भी हेल्प करूंगा ताकि वो अल्स्यू भी खत्म हो जाए इसको दो स्टेज में ले लो पहला स्टेज ये है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बैठ के आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप शादियों में नहीं जा रहे हो आप डकी भाई हरीम शाह इन लोगों को नहीं देख रहे हो आप डांस नहीं देख रहे हो टिकटॉक नहीं देख रहे हो चाय के होटल में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो आप कामयाब हो सकते हो वहां अगर आप बैठ के अपना टाइम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने में लगा रहे हो जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो और फिर उस स्किल डेवलपमेंट को मोनिटाइज करो ये जो लोग आई एम सॉरी टू से जो लोग ड्रामा एक्टर्स को देखते हैं यूट्यूबर्स को देखते हैं टिकटॉकर्स को देखते हैं इवन दो स्पोर्ट्स प्लेयर को देखते हैं ये आपको क्या दे रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हो वो आपसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे इनफैक्ट में कुछ लोग तो सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं मुझे माइनस करके <laughs> लेकिन हाँ दैट्स वेरी वेरी ट्रू लेकिन मैं एक बात ये बात कोई नहीं कहता लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा, जो ड्रामा सीरियल्स में जो जा रहे ना थोड़ा सा के बात करूं। I think कोई भी डिजर्व नहीं करता सेलिब्रिटी स्टेटस मैं भी नहीं डिजर्व करता नहीं वो तो बात ही नहीं कोई भी नहीं कोई भी ऐसा स्टेटस डिवेलप डिजर्व नहीं करता कि वो हजारों लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये हम बाई नेचर इतना

जिसको मेरी बात समझ में आए वो फॉलो करे जिसको नहीं समझ में आए मुझे फॉलोअर की जरूरत नहीं है अच्छा आप कह रहे हो कि यू आर बिजनेसैन और चाह रहे हो कि लोग आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी आप लेआउट करते हैं फॉलो करें वैसे मैंने सवाल एंड पे रखा था लेकिन मैं आप पूछ लेता हूँ लास्ट पॉइंट कैस जब हमने किया था तब काफी ज्यादा लोगों ने कहा था यार माइंड की आप बात करते हो मैं भी करता हूँ अपने चैनल पे लेकिन आप तो ऑब्वियसली आपका सारा उसके अराउंड है सारा कॉन्टेंट अगर माइंड सेट की बात करते हो हसल की बात करते हो चाय के होटलों पर नहीं बैठना सुबह पांच बजे उठना है या फिर पांच बजे सोते हो तो फोर फिफ्टी नाइन पी पे उठ जाओ

जो रोज आप एनर्जी होती है आपकी वो क्यों बचाते हो बंदा कहता है ना रिलैक्स कर लू आराम कर लूँ कभर में थोड़ी जाओगे तो पता चलेगा कि इतनी एनर्जी बचाई हुई थी इतनी खूबसूरती लेके जा रहे हो स्पेशली लड़कों के लिए बात कर रहा हूं मैं। लेकिन भी तो करना होता है इंसान ने ये सब नॉनसेंस है डीकम्प्रेशन आप है ना किसी काम में है ना मेहनत नहीं करो जान मार दो वो बंदा कहता है अपनी औकात लगा दो उस काम में जब आप अपनी औकात लगाओगे ना तो फिर यू डोंट नीड ट्रेनिंग यू डोंट नीड स्किल्स यू डोंट नीड नथिंग यू आर गोइंग टू वर्क घंटे बीस घंटे पच्चीस घंटे पच्चीसवा घंटा पैदा करके काम करोगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो मेहनत से ज्यादा है ना जान और जुनून चाहिए वो बंदा ये कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की कमी नहीं है तुम्हें जुनून की कमी है जिस बंदे में जुनून होगा ना वो हर स्किल अकॉम्पलिश कर सकता है और उसके बाद हर बिजनेस में प्रॉस्पर कर सकता है अभी तुम्हारी मिसाल ले लो अभी हम आ रहे थे तुमने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, है लिए लिए कर... साल में नहीं किया पिछले एक्शन लिया इंसान के अंदर ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है इतनी ताकत दी है कि वो ठान लेना कुछ करने का नींद भूख और आराम को भूल जाओ तुम चांद पे जा सकते हो बात तो वैसे सही है जिस कैमरे से आप फुटेज देख रहे हो कैमरे का रोड मैप तो नहीं था किसी के पास देखें हमेशा है ना जिंदगी में आप नोट करना कि एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है फिर वो टूटना शुरू होता है बार बार लेकिन पहली बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना उसने तो किसी को देखा नहीं था वहां पहुंचते हुए करके बताया ना करके बताया तो रोड मैप जरूरी नहीं है चुनून जरूरी है और यू कैन यूज द सेम मॉडल एंड ब्रिंग इट इन योर ओन ब्रिंग इट इन योर ओन वे राइट सारे बिजनेस अच्छे हैं ऑल द बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस तुम उस बिजनेस में कितना अच्छा बन सकते हो उस पर डिपेंड करता है बिजनेस कहां तक जाएगा अच्छा मेरे साथ हजारों लोग ऐसे हैं जो जहां शुरू हुए थे वही हैं मैं आगे इसलिए गया कि मेरा जहन बोलता था औकात लगा देनी है इस काम में चाहे जितनी मर्जी ठोकरे खाओ ठोकरे खाओ नींद ना पूरी करो तुम्हारी तुम डिकम्पोज हो जाओ एज अ पर्सन अम्पोज आप देखते हैं आदमी को देखते हैं बाल जल्दी करते हैं बुढ़ापा जल्दी आता है कमर जल्दी फ्लेक्स होती है होती है यू शुड डीकोज टू गिव टू टी पीपल अराउंड यू आपके आसपास के 20 लोग हैं ना उनके लिए अपने आप आपको डिकम्पोज कर लो वैसे ऐसे बात ये भी आती है इट्स बेटर टू किल्फ नाउ एन यू हैव द एनर्जी राधर देन सिक्सटी ईयर्स के बाद आप कह रहे हो कि यार अब मैं डीकम्पोज करता हूं या मैं उस लाइफ के लिए वर्क करूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं रिच हो जाऊंगा तब आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता मैंने एक 45 साल 46 साल के बंदे को देखा है वो 46 साल से 60 साल में बना है। बहुत कॉम लोग जानते हैं यहाँ अच्छा। में लोग जानते हैं उनको अच्छा वो बना है। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता ये जो ये जो बुढ़ापा सुस्ती ये सब एक फीलिंग्स है ये फीलिंग्स उस वक्त हावी होती हैं जब तुम अपने ऊपर हावी होना देते देते हो मैं जिम की बड़ी एग्जांपल्स देता हूँ लोग जिम जाके वर्कआउट क्यों करते हैं बहुत से लोग अपने घर में इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकते हैं कर सकते हैं वो जो माहौल है ना वो उस फीलिंग को एलिमिनेट करता है मेरे अल्फाज और तुम्हारे अंदर का जुनून उस फीलिंग को एलिमिनेट करेगा कि मैं नहीं कर सकता जब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि मैं कर सकता हूं दुनिया पार कर दुनिया पार पार कर कर लोगे लोगे ये जो एडीएचडी के पेशेंट्स होते हैं ना इनको एक पिल दी जाती है बड़ी कॉमनली नोन है या एड्रॉल के नाम से वो पिल वो जब पिल लेते हैं ना तो उसके बाद वो पांच पांच छे छह क्लासेस एस करते हैं पढ़ाई करके तो वो पिल इतना असर नहीं कर रही होती जितना वो फीलिंग असर कर रही होती लसीबो सीबो एक बंदे को आंखों पे पट्टी बांधी और उसको यह बोला कि तुम्हें अब सांप से डसवाया जाएगा थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड बाद वो मर गया उसके बाद उसका जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें से सांप का जहर निकला और उस कमरे में सांप मौजूद ही नहीं था You 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 create create those 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 chemicals chemicals in 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 your 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 body. 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 Yeah, this is real. You create those chemicals in your body. You manifest those thoughts बहुत ही पावरफुल चीज है अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था कि इंसान भूरा एज से नहीं होता इंसान भूरा प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रेस से होता है अगर मुझे एक काम करना है और मैंने पांच मिनट बाद जाके वो काम कर लिया मुझे कम स्ट्रेस होगा लेकिन वही काम मैंने अगर पांच घंटे बाद जाके किया और सोचता है रहा मुझे नहीं हो कब आगे बढ़ूंगा उसके 30-35 साल गुजरेंगे उसमें डीकम्पोज होता है बंदा और फिर जब वो डिकम्पोज होता है ना वो वो तो जान ले जाता है ना इंसान की वो ना इज्जत मिलती है उसको दुनिया में और ना जिंदगी में जान होती है उसकी जान क्या होता है कि इंसान जब

गोइंग टू मेक दैट डे वेरी प्रोडक्टिव एक तो ये चीज होगी कि बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखे एक और चीज होती है कि बंदा सुबह उठते ही कोई प्रोडक्टिव टास्क कर ले जो सबसे मुश्किल है ऐसा आपने आप कभी प्रैक्टिस किया आपको हेल्प हुई है इस चीज में अपना दिन आप कैसे करते हो के? इतने ज्यादा टास्क एक दिन में बंद कैसे कर ले साइकोलॉजिकली जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है दिस इज नॉट अ मेडिकल एडवाइस दिस इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है जिन लोगों को सुस्ती रहती है खायली रहती है सबसे पहले सुबह उठ के कोई अच्छी खबर सुनो या कोई फनी चीज देख लो अगर आप अच्छी खबर सुनोगी या कोई कॉमेडी चीज देख लो दिस इज बूस्ट और फिर अपने डे को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि सबसे ईजी और सबसे शॉर्ट टास्क पहले रखो अच्छा

अगर तुमने इजी से शुरू किया ना तो दिमाग में एक वो डंबल हट रहा होता है दिमाग के बर्डन से कि एक कंप्लीट हो गया है अब, चार रह गए फिर दूसरा किया एक और डंबल हट रहा है आप तीन रह गए वो कहते हैं ना दस के का वेट अगर आप हाथ में उठाओ ना तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ सडन टाइम फिर अगर पंद्रह मिनट बाद दस में से एक के हटेगा तो वो नौ के थोड़ा आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा फिर वो आठ के और आसान हो जाएगा लेकिन अगर आप सबसे भारी डंबल रखे रहोगे जो कि आपको एंड में करना है तो वो एज वन कंसिडर होगा एक टास्क कंसिडर होगा इवन दो वो सबसे बड़ा टास्क है लेकिन आपका दिमाग बोल रहा होगा एक डंबल रह गया है। तो स्लो एंड स्टडी टाइप ऑफ सुपर में पूछा था करते हैं लोग ये कहते हैं माइंड की होती है वगैरह हम अगेन उस पर गए लेकिन अब मुझे भी समझ आ रहे की क्यों क्योंकि आपने कहा सारे बिजनेसेस अच्छे हैं आपने मुझे एक और बात भी की थी इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट ऑल द टाइम इट्स अबाउट हाउ यू सेल बिल्कुल बहुत बार ये होता है कि एक प्रोडक्ट किसी मसले का हल नहीं निकाल रही होती अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ एक प्रोडक्ट आई थी फिजिट स्पिनर के नाम से थी हाँ जिसमें एक चीज होती है जो मूव कर रही है आपके लिए कॉन्स्टेंटली और वो बस आपकी अटेंशन वो रखने के लिए होती है वो एडीएचडी के पेशेंट्स के लिए भी यूज होती है वो तो प्रोडक्ट वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी बट हाउ इट वाज सोल्ड वो सो क्रिएटिव कि भाई उन्होंने बोला ये इन इन चीज के लिए यूज हो सकती है आपकी जेनिक डिस्ट्रैक्शन वो बना सकती है आपको फोकस करने पर वो कर सकती है

डीजे तो आएगा माइक है

It sold. <laughs> I think the selling point was, "Okay, you have said all that, but you told me that you can use it." and if you like it use it and if i don't like it i can return we'll, it to you. we'll take it back full refund full refund but despite of that even if you i take it back and there's a full refund i think 1% of followers your followers are going to keep it and that's the name of the game hamesha there's something called super followers there's something called uh, super consumers agar market 1% to percent who are going to want to buy it no matter what it is no matter what it is they're going to buy it from you brand soon start positive feedback लो कुछ लोग कह रहे हैं अभी लॉन्च करो और हम ले लेंगे तो आई कैन सी योर पॉइंट ओवर देयर लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरह उस चीज को मार्केट करना चाहिए दर आई इंक्रीज माई ऑर्ड इवन मोर ट्रू फॉलोअर को मार्केट करने का बेस्ट तरीका यह है कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो इतनी अच्छी हो कि ट्रू फॉलोअर जिसके आसपास वो बोल रहे हैं लोग यार ये ये सिर्फ बेच रहे हैं चीजें बेच रहे हैं अच्छी नहीं होंगी

आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि दोबारा उसको नाम याद हो वो गूगल कर सकता हो आपका नाम देखो अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत छोटा है आज अगर आपको कोई सुन रहा है आज से दस साल बाद वो आपको नहीं सुनेगा शायद अनलेस आपका कंटेंट भी उसके साथ ग्रो हो रहा है चौदह साल का बच्चा आज जो सुन रहा है चौबीस साल की उम्र में वो नहीं सुनेगा डिफरेंट हो जाएगा तो, तो आपको अपने आप को कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना है उसकी एज के हिसाब से एग्जाम्पल देखता हूँ एक यूट्यूबर की उसका नाम है लोगन पॉल लोगन पॉल ने जब शुरू किया उसके सारे फॉलोअर्स तेरह चौदह साल के थे वाइन्स में वो बच्चों के साथ बड़ा होता गया अब वो रेसलिंग में आ गया फाइट गेम में आ गया जेक पॉल ने भी इसी तरह किया फाइट गेम में आ गया तो वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स को फॉलोअर्स के साथ ग्रो हो रहे हैं प्रोडक्ट ग्रो हो रहे हैं ये था आपके लिए एडवाइस अब एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन और दुकानदार है ना उसके लिए तो बेस्ट पॉलिसी है कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन uh, करना आता हो मैं ये देखता हूं लोगों को अपनी प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता प्रोडक्ट अच्छी होती है बहुत से लोगों के पास उनको समझाना ही नहीं आता कन्विंस करना ही नहीं आता कि मेरी प्रोडक्ट वहां से ज्यादा अच्छी है शीशे के शोकेस में रखी हुई प्रोडक्ट ज्यादा आसानी से बिकती है इवन दो वो इनफीरियर होती है और नॉर्मल दुकान में रखी हुई प्रोडक्ट सुपीरियर होने के बावजूद नहीं बिकती तो इट्स अबाउट विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स फर्स्ट फिर प्रोडक्ट अगला तुम्हारा हाथ भी लगाएगा यार देखो कंज्यूमर है ना रेंज करता है एक बंदा टेक्निकल बात समझेगा एक बंदा इमोशनल बात समझेगा एक बंदा ऑनेस्टी समझेगा एक बंदा आपको एक्सप्लेनेशन चाहेगा पूरी आपसे व ऑल द टूल इन योर पॉकेट टू कन्विंस द पर्सन क्योंकि आपका क्लाइंट एक टाइप का तो कभी नहीं होगा हम Different भी जब बिजनेस करते हैं रिटेल्स के तो हम डेमोग्राफिक्स को स्टडी करते हैं अब एक डेमोग्राफिक्स में एक प्रोडक्ट बिकता है और दूसरी डेमोग्राफिक्स में सेम प्रोडक्ट नहीं बिकता तो पीपल वॉन्ट मोर फॉर अ प्रोडक्ट इन हाँ, income demographic. demographics, या? हाँ ये तो होता है तो हमें वो स्टडी करना पड़ता है कंज्यूमर किस टाइप का और वो क्या चाह रहा है बेसिकली रिसर्च की बहुत जरूरी होती है जरूरत होती है जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट रहे हो और या आप ऑलरेडी आपका स्टैब्लिश बिजनेस हो उसको भी आप अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हो स्केलिंग की बात मैं सुनता हूँ स्केलिंग जितनी आप करोगे ना उससे आपकी ओवली इनकम बनेगी अपने आवर्स घटाने राइट right? देखो मेरे जैसी कंपनीज जो होती है ना वो टिपिकली फोकस ग्रुप कराती है फोकस ग्रुप में हम डिटर्मिन करते हैं कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है ये एप्पल स्ट्रेटेजी है Apple says that start from the consumer. एंड देन गो टू द टेक्निकल साइड तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यही होता है जैसे ही वो प्राइवेट लेवल वाले जो लड़के करते हैं वो मेरी बात समझेंगे प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उसके रिव्यूज देखते हो रिव्यूज में देखते हो वो कम्प्लेन्स को एलिमिनेट करते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फिजिकली जो विजुअल दिखाया उसकी एस्थेटिक्स इंप्रूव करते हो उसके साथ कभी कभी बंडलिंग कर दी छोटी तो सी चीज एड कर दी उसके साथ देन यूर एबल टू सेल इट बेटर तो ये चीज हर केस में इंप्लीमेंट होती है इवन इन रिटेल इवन इन होलसेल हर चीज में ये चीज इंप्लीमेंट होगी और अब आप अपने है.

रियल स्टेट ई कॉमर्स टेक बिजनेस और अभी हम एक ब्रिक्स का बिजनेस वेंचर आया हुआ है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स। कैन यू एक्सप्लेन? सीमेंटेड मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया है तो कैन द फ्यूचर। जिसमें हम इन्वेस्ट uh, uh, करना चाह रहे डिटेल नहीं जाऊंगा प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है थोड़ी ओके oh, okay, okay. लेकिन दैट्स अ न्यू वेंचर दैट वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग वैसे तो रिटेल और रियल स्टेट में बहुत वास्ट एक्सपेंशन पोटेंशियल है अच्छा so, अभी हमने भी एक और नए ब्रांड के साथ साइन अप किया है उसके साथ हमने 40 लोकेशंस खोली हैं यू वांट टू डिस्क्लोज वो तो चलता रहता है आई कैन नॉट टेक द नेम बिकॉज़ वो एनी uh, एग्जांपल काम कर रहे हैं दूसरे के साथ काम कर An रहे हैं एन एग्जांपल दैट इट

आई डोंट प्लान टू सेलम किसी को अगर चाहिए तो वो अगर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेहनती बंदा लगा और वो जो अपनी औकात लगाने वाला बंदा लगा तो उसको मैं गिफ्ट कर दूंगा Oh, I see. लेकिन प्रोडक्ट का आपका कोई दिल नहीं आगे करने का इवन इफ आई डू इट इट्स नॉट बी मुझे वो हशमानी हशमानी लगा के बेचने का कोई शौक नहीं है अच्छा इस तरह कुछ लोगों को होता है अपना नाम लगा के. हाँ वो कुछ लोगों खैर अभी हम बिजनेस की और बातें कर सकते हैं आगे लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जो कि खैर मैं भी इसमें इन्वॉल्व था काफी लोगों को पता होगा जो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे अगर कोई होंगे भी तो माजी के इंसान होंगे अच्छा और माजी को लोगों को हम बुला देते हैं फिर भी लोग जानना तो चाह रहे हैं थोड़ा सा तो ये बताएं वो माजी का एक बंदा सवाल कर लें आप उस बंदे ने वैसे क्लेम किया था उसने कहा था कि एक टिकटॉक वीडियो पे कि आपने उससे मिलने का कहा था एक दूसरे यूट्यूबर के थ्रू कि मेरे उससे मुलाकात करवा दो तो वो कह रहा था कि जब उसने आपका पॉडकास्ट जुनेद अक्रम के साथ देखा तो उसमें आप जिप कोड वाली बातें करते कि मेरे हर स्टोर में जिप कोड है और मैं ये सूट वूट पहन के बनछन के गया था स्टेक फोर्टी एट को जगह थी रेस्टोरेंट था वहां पे तो कह रहा था कि ये तो बंदा ही बनावटी है तो मैं तो वैसे नहीं मिलना चाह रहा। खैर उसको पे करके आउट एक्चुअली अभी पिछले दिनों सलमान खान ने रीच आउट किया है मुझे कि वो अच्छा? मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा है और मैंने मना कर दिया उसको सलमान खान कौन सा वाला सलमान खान बॉलीवुड वाला अच्छा एक्टर हाँ और ये बात भी उतनी सच है जितनी उसकी कई भी बात है <laughs> बाकी आपके कुछ एड्रेसेस लीक किए रिसेंटली यू नो कुछ बात हुई ये एड्रेस लीक हुए तो रेंट भी नहीं पे कर पाए, भी नहीं पे कर पाए और आपने फिर इन में कहा कि सवाल तक बात जाएगी मतलब यू नो वो तो उसने तो आपके चलो ये एड्रेसेस वगैरह जो भी लीक किए थे आप तो यू नो फैमिली तक पहुंच गए तो क्या सही ना इसका यार क्यूँकी ये मैटर अभी लीगल चला गया है तो इसपे ज्यादा कॉमेंट किए बगैर मैं इतना बता दूंगा बस की पर्सनल नहीं करना चाहिए था उसको हाँ। देखो हमारे जो लोग हैं ना वो बड़े ही प्रोफेशनल हैं मेरे पास चार पांच महीने से ये सब कुछ पड़ा हुआ था और और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो अभी तक मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने समझाया था कि मुझसे दुश्मनी तुम ले नहीं सकते अगर समझदार है तो अभी रुक जाएगा ही डॉन एग्जिस्ट नो मोर चैप्टर क्लोज हो गया जिस दिन उठेगा उस दिन दोबारा चुटकी बजाएंगे बजाय मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एक एंटरटेनर एक एक्ट पेश कर रहा होता है वो असल में वैसा नहीं होता और मेरी इस गलत को दूर

एक चीज को डिस्टिंग कर लेते हैं कंपेरिजन ही ना करो और किसी से नहीं कह रहे चलो देर इज नो कंपेरिजन हजारों लाखों लोगों ने पांच सौ रुपए कमाए पब्लिक को बोला पांच लाख रुपए कमाए और फिर उनको लूटा हाशमानी ने वाकई में पांच लाख रुपए कमाए और पब्लिक पे खर्च कर रहा है नो कंपेरिजन एम नॉट अ गवर्नमेंट आई एम नॉट एनी ऑफिशियल एजेंसी फोटिंग अप माई ओन मनी अपना पैसा लगा रहा हूं मैं तो मुझे तो उस सफ में ही खड़ा ना करो जिस सफ में ये बाकी सारे लोग आते हैं मैं किसी से नफरत नहीं है अच्छे लोग भी है इसमें बहुत से लोगों ने अच्छा काम भी किया है बहुत से लोगों ने लूट मार भी मचा है लेकिन मेरा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है मैं वाकई ही अच्छी नीयत से ये काम कर रहा हूं ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है इसमें किसी को गलत फहमी ना रहे ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कुछ मुझे इससे नहीं बनने वाला कुछ भी नहीं बनने वाला मुझे फॉलोअर भी नहीं चाहिए वो भी रख लो लेकिन क्या चाहिए कैच मुझे लेगेसी चाहिए बीस साल बाद जब इनका बच्चा बोले तो इनको हसमानी का नाम याद हो ये चाहिए मुझे खान अकेडमी yes, जो कि ये लोगों के आस पास ऐसे लोग नहीं है ना बहुत कम लोग हैं ऐसे तो उनको समझ नहीं आता वो सोचते हैं यार कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा मेरे जैसे लोग <laughs> हाँ। लेकिन आप एक एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना जब भूख खत्म हो जाती है hmm. फिर आपको भदजमी होना शुरू हो जाती है hmm. तो यू ईट यू कैन और फिर आप बाकी दे देते हैं मेरा कम्युनिटी सिस्टम वाली फिलोसफी मैं इसको कितनी बार रिपीट करूं घिस जाएगी पहले आप सोचते हो अपने पेट का अपने खाने का क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना उसके दिमाग में आता है कैसे मुंह में डालू मैं चीज को दूसरा आप सोचते हो अपने आस पास चार पांच लोगों का जो आपकी फैमिली है तीसरा आप सोचते हो एक्सटेंडेड फैमिली का बीस तीस लोग है और आखिर स्टेज आता है कम्युनिटी स्टेज दैट्स वेन यू थिंक ऑफ हंड्रेड पीपल हंड्रेड थाउजेंड पीपल कम्युनिटी स्टेज पे जब बंदा पहुंचता है ना जो जेनुअनली पहुंचता है उनकी बात नहीं कर रहा जो फनकार लोग हैं जो जेनुअनली पहुंच जाता है ना उसकी नियत होती है कि यार इसका बच्चा मुझे जाने कि मैंने इसके लिए कुछ किया था हाँ मैं नहीं बताऊं ये बोले कि यार ये मेरा उस्ताद था ये मेरा मेंटर था इसने मुझे सिखाया लेकिन टीचर अच्छा। की जो टीचर की जो इज्जत है ना माशरे में नेक्स्ट लेवल है नबी का प्रोफेशन प्रोफेशन था था टीचिंग ही टीचिंग मेन ही ना से तो शुरू हुआ सारा टीचिंग मैंने क्लास की उम्र में पहला ट्यूशन पढ़ाया मुझे इसकी इज्जत पता है टीचर्स की रिस्पेक्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन अगेन यू आर अ टीचर यू आर अ पर्सन हु टीचर्स पीपल फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह सारी चीजों के बारे में लेकिन क्या आप इस यूनिवर्सिटी में खुद कोई कोर्स बताओगे या फिर ऐड कर देता हूं कर रहे थे आप यूट्यूब पे विडियोज डाल लो यहाँ वीडियो डालो टीच कर रहे हो तो आपने ये क्यों किया मेरे हर वीडियो पे तुम्हारी वाली बात आती थी एंड में नीचे कॉमेंट में भाई माइंड सीख लिया हमने क्योंकि सीखा नहीं है उनको नहीं पता उन्होंने नहीं सीखा अर्न कैसे करें स्किल बताओ तो मेरे अगर कोई बच्चा पचास वीडियो देखता है ना तब जाके उसको माइंडसेट क्या है वो समझ में आता है है लेकिन स्किल वाली बात है ना वो चार वीडियो में सीख जाएगा मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट केयर वॉट पीपल वॉन्ट आई केयर वॉट दे रिस्पॉन्ड टू मुझे उसकी परवाह ही नहीं है कि लोग क्या डिपिक करते हैं कि उनको चाहिए लेकिन लोग किस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज पे रिएक्ट करते हैं वो चीज़ देनी चाहिए और इसलिए आपने फिर ये सारा थोड़ा दिखाना शुरू किया अपनी वेल्थ को मुझे कल एक बहुत इज्जतदार इन्फ्लुएंसर ने बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी उन्होंने मुझे कहा कि साथ भाई ये आपकी सब चीजें सही है वो कहते हैं मैं हजारों लोगों के साथ नहीं बैठूंगा लेकिन मैं आपके साथ जरूर बैठना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी बातें अच्छी लगती है आपकी चीज जेनुअन लगती है लेकिन मुझे एक चीज से इख्तलाफ है वो जो आपने गाड़ी दिखा दी वगैरह ये सब चीज दिखा दिया तो गाड़ी वगैरह मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मैं नई भी दिखाऊंगा तो भी मेरे पास है और मैं दिखाऊंगा तो मेरी गाड़ियां बढ़ेंगी नहीं या मेरी वेल्थ में कोई इजाफा नहीं होगा लेकिन जो हमारा चौदह तेरह पंद्रह साल का बच्चा है ना वो यही देख रहा है कि कौन कह रहा है वो ये नहीं देख रहा है क्या कह रहा है लेकिन आपका गोल है कि पहले आप ये ये यूज यूज करके करके वेल भी क्या बट मेथड उनको इस तरफ लाओ कि यार अगर सादगी वाला बंदा भी है और वो उसके पास कोई नॉलेज है अच्छी तो उसकी भी सुनो ये आपका गोल है लोगों को यार वो अगले दो साल लगेंगे क्योंकि हमारी जो एनसेस्टोरियल जो खराबी हो गई है ना वायरिंग वो ठीक नहीं कर सकते आप कदीम जमाने से देख लो कि जिसने सोना दिखा रहा होता था उसकी बात सुनी जाती थी ये तो है तुम भी मूसा यहाँ पे इसीलिए आए हुए हो कि तुम्हें लगता है कि सात महीने कुछ किया होगा हाँ तो तुम भी बात सुनने उसी वक्त आ रहे हो तो ये तो एक बेसिक चीज है ना है अब तो बेसिक अब एवरेज हो इंटेलिजेंट हो तुम बैंक अकाउंट फिगर्स देखना चाहते हो तुम्हे गाड़ियां और बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम समझदार हो लेकिन hmm. जो एवरेज बच्चा है उसको तो यही पता चलता है ना कि यार आपके तो पास कौन सी गाड़ी है कि मैं आपकी बात एवरेज बच्चा एज यू यू स्टेप द लर्निंग एंड लर्न थ्रू आउट मैं खुद एवरेज हूँ मैं खुद एक एवरेज इंसान हूँ देखो मेंटली मैं भी बिलो एवरेज हूँ मुझसे बहुत ज्यादा जहीन लोग हैं लेकिन क्या वो मुझसे ज्यादा मेहनती है क्या उनके अंदर मेरे जैसा जुनून है नहीं है अभी

ऐसे काम पकड़ो दैट्स बिजनेस दैट इज द एसेंस ऑफ योर बिजनेस सिंपल है लोगों को पता ना है कि बहुत सिंपल है हाँ, लेकिन वो ये ना सिंपल सुनने में लगता है लेकिन जब आप करने लोगों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन एक वो दीवार आ जाती है जिसको तोड़ के आगे निकलना उसकी आप बात है। कर उसमें माइंड सेट जरूर चाहिए मैं करके बताऊंगा जब तक अपने आप को ये बोलोगे नहीं ना बात सच नहीं होगी उस वक्त उस वक्त बात ऐसी होगी कि ख्वाब लग रहा होगा अफसाना लग रहा होगा और जो करीब के लोग है ना वो ज्यादा मजाक उड़ा रहे होंगे ना जो नहीं जानता वो मजाक नहीं उड़ा रहा नहीं उड़ा रहा होगा लेकिन तुम मेंटली कन्विंस हो के काम उस तरह कर रहे हो वक्त पे उठ रहे हो वक्त पे डिलीवर कर रहे हो प्रोफेसिनेट नहीं कर रहे हो जब तुम काम उस तरह करोगे ना तो काम हो जाएगा अल्टीमेटली लेकिन पहले तो ये सोचना है कि मैं कर सकता हूं अब वापस उस सवाल पे आते जो मैंने पूछा था क्योंकि आई जस्ट लव टू ब्रिंग बैक द ओल्ड क्वेश्चन पता नहीं मेरे अंदर है कोई चीज यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी ना तो मैंने कहा था कि जो वो बंदा है जो वो तो खुद पढ़ा रहा है खुद बता रहा है और लोग उसको उनकी बात ही नहीं करो नहीं मैं आप... उनकी बात अच्छा उनकी बात ही करो सबकी बात करो कर रहा हूँ जो कोर्स सेलर है उसको माफ करो अभी एनी फाइनेंशियल गुरु पे स्पेस में इंटरनेट स्पेस पे जो आप देखते हो वो अपने आप को सेल कर रहा है तो जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो आप उसी से डायरेक्ट टीचिंग ले रहे हो अब लोग आपको फॉलो करके आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहेंगे ठीक है जिसका आपने मैंने अभी रील देखी आपने कहा कि प्रोसेस होगा ऐसे नहीं किसी स्टूडेंट को उठा लेंगे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसकी बात करते हैं लेकिन जब कोई बंदा सब्सक्राइब करके आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा है या आपकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं फ्री ट्यूशन तो आप उसमें आपका क्या है ठीक है आप क्या दावा देके कह सकते हैं कि जो टीचर्स आप हायरिंग प्रोसेस से करेंगे वो आप जैसी इंफॉर्मेशन

ये तो रुकेगा ही नहीं कल को कोई और एजुकेशन आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो भी ऐड हो जाएगी उसमें जिस तरह टाइम के साथ आती है उसको करते रहेंगे ये ये अच्छा। ये मजाक थोड़ी इट्स अ हाई लेवल थिंग अच्छा सब भूल जो जो बाकी जो नाम आते थे ना आपके पास इंटरनेट पे जो गाड़ी दिखा के वगैरह ये खत्म हो गए अच्छा टाइम खत्म इनका हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना अगर सीरियस बच्चे ने वैल्यू ले ली तीन से पांच हजार डॉलर बनाना बहुत इजी होगा पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में बैठ के बांग्लादेश श्रीलंका एनी वेयर यू लिविंग तीन से पांच हजार डॉलर बनाना होगा होगा अच्छा शुरू में हमारा बेसिक गोल हो बेसिक गोल हो हाँ। और उसके साथ, साथ हैं जो अभी आपके सवाल पे आता हूँ प्रोफेसर वाले की जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें पहले तो हम उन लोगों का ख्याल करेंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि मेजोरिटी है तो फ्री कोर्स है इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं करनी बस एक कंप्यूटर होना चाहिए एक अच्छा सा फोन होना चाहिए तो आप काम कर सकते हो काम कर सकते हो अगर मेहनत कर रहे हो स्किल लर्न अपनी औकात लगा रहे हो स्किल लर्न करने में जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो फिर फुल प्रूफ कर सकते हैं एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं अपना उसमें साथ में उसमें आप हेल्प करोगे उनकी एल फॉर्म करने में चीजें फॉर्म करने में जो भी सेटअप होगा ए टू जेड गाइडेंस मिलेगी लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद ये मैं पूछने लगा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसने पास नहीं किया वो एक अरब रुपए भी लाके देगा उसको नहीं पढ़ाऊंगा अच्छा एक ही दफा होगा वन टाइम या फिर दोबारा वो अगर फेल होता है टेस्ट तो वो कर सकता है हर कोर्स का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फर्ज करो तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी है उसके अपने पांच सवाल होंगे हम बताएंगे कैसे तैयारी करनी है उसकी अच्छा वो भी बताओगे और उसका क्राइटेरिया भी बड़ा आसान रखेंगे की फिफ्टी सिक्सटी ले आओ यू कैन एंटर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हंड्रेड लाना है लेकिन मैं सिर्फ उस बच्चे को वैल्यू करूंगा जो वाकई ही मैं पढ़ना चाहता है ट्राई करने वाला ऐसे ही शौक लगाने वाला नहीं चाहिए हमें मतलब कि आ रहा, रहा है 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 ना एक्सपीरियंस कर कुछ भी है, मैं फ्री में है लेकिन इसकी अगर आप वैल्यू लगाएं तो एक कोर्स पांच से आठ हजार डॉलर की वर्थ वाला कोर्स है जो की हमने एक्सपेंड किया है उतना मनी आउटसाइड गोरो वाली मार्केट में ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं कि अगर आप आमतौर पर अमेरिका से कोर्स लेते या किसी प्रोफेशनल से लेते तो उसमें आपको पांच से आठ डॉलर खर्च करना पड़ता कुछ कोर्स ऐसे हैं सारे नहीं अब इस पे एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं जो प्रोफेसर कहां से हम प्रोफेसर को श्योर कर रहे हैं कि ये मंजन सेलर्स नहीं है और ड्रामा नहीं है इस सिस्टम में चार लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं पिछले एक साल से इन्वेस्ट कर चुका हूं जो मेरे ई कॉमर्स चला रहे हैं मेरे सिस्टम चला रहे हैं तो वी ऑलरेडी नो के उन्होंने मिलियन डॉलर सेल्स बिजनेस क्रिएट किए हुए हैं मैं मिलियनियर से पढ़वा रहा हूँ आपको प्रॉपर ये एक, ये कोर्स मिलियन नहीं है साथ किया है वुड वुड यू यू प्रूव दिस पॉइंट आगे ऑफ कोर्स ये कोर्स नहीं है ये कोर्स बेच के नहीं बने ये स्टोर्स चला के मिलियनियर बने रियल प्रोडक्ट्स ये स्टोर्स चला के ऊपर आए इनका अगर तुम टैक्स रिटर्न देखो पुराना वाला तो स्टोर से बना हुआ टैक्स रिटर्न है अच्छा अनलाइक मेनी अदर गुरु अच्छा मैं एक चीज वैसे पूछना चाहता था जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें टेस्ट देके ना वैसे ही कुछ बच्चों की शॉर्ट हो जाती है तो मैं बस ये कहना चाहता है कितने हुए आपके एनरोल हो गए बच्चे भी ऑलरेडी सेवन थाउजेंड एक लाख सिक्स थाउजेंड सो डोट लाइक इट्स बेटर टू आई मीन उसमें ये हो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो घंटे का डेढ़ घंटे का जिसमें हर बच्चा क्वालिफाई कर जाए या आप कह रहे हो कि अलग अलग ही होगा हर चीज का इसका फर्क है ना इसकी वजह है देखो अगर कोई यूनिवर्सिटी जाता है ना तो उसको डिग्री लेने के लिए उसके करिकुलम में हंड्रेड एंड थर्टी क्रेडिट आवर्स के वो टेक लेने होते हैं अब वो 130 से मिला के उसकी एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट होती है जिससे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके काम कर सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसको ठीक नहीं समझते 130 में 50 क्रेडिट आवर्स ऐसे होते हैं जो उनका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि एजुकेशन माफिया ने सिस्टम क्रिएट कर Arts, Science, है वो time, yeah. मेरे जैसे जो लोग हैं जो बीच में हैं जो कहते हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन जरूरी भी है लेकिन कन्वेंशनल एजुकेशन जैसी चल रही है वैसी जरूरी नहीं है Different. मेरे जैसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि कि अगर मैं एक स्किल पे आइडेंटिफाई कर एप्टीट्यूड टेस्ट से कि ये बच्चा इस चीज में अच्छा है और इस चीज का इसको शौक है वो अपनी बेसिक्स मैट्रिक वगैरह करके आ रहा है नाइन्थ क्लास एट क्लास तक करके आ रहा है जो सबसे छोटा बच्चा है नाइन्थ एट क्लास वाला आ रहा है हमारे पास hmm. बड़े बच्चे पचास पचास साठ साठ साल के भी लोग आ रहे हैं हाँ. तो जो सबसे छोटा बच्चा अपनी बेसिक कवर करके आ रहा है उसको मैं एक चीज पे फोकस कर लूं क्योंकि अल्टीमेट गोल उसको किताब लिखने वाला पीएचडी नहीं बनाना मुझे वो सब बना रही है यूनिवर्सिटीज़ मुझे उसको घर में पैसे लाने वाला बंदा बनाना है घर में कैसे पचास हजार लाऊ घर में कैसे पांच लाख रुपए करना है अच्छा। तो उसके लिए on in कर रहे हो। एक तो आपने कहा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो हो गई कंप्यूटर वाली नॉलेज भी हो गई इसमें आप जिम uh, वाली भी ट्रेनिंग भी एड करोगे रिलेशनशिप एडवाइस भी एड करोगे इस कोर्स में क्या क्या होगा उसमें स्पेसिफिक नीच है बिजनेस वाली अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा अभी कॉन्फिडेंशियल रखूंगा अच्छा बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा आइडिया जरूरी तो नहीं अगर आइडिया जैसे मैंने शर्ट्स का अपना अनाउंस कर दिया था वो तो हर बंदा कर रहा है लेकिन ऐसे नहीं होता कि यार आप जिस तरह एग्जीक्यूट करो वो ज्यादा अच्छा है एटलीस्ट हाइप बनेगी असल में चीज ये है कि मैं बहुत सी चीजें ऐसी भी डाल रहा हूँ इसमें जो कि मैं अनाउंस करूंगा प्रोपरली जिसमें बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है बहुत प्राउड होंगे

कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज बन के आ गई है और वो हमने डायरेक्ट डाल दी वो दोबारा देखी जा रही है तीन चार लोग देख रहे हैं पैनल में और फिर उसको अप्रूव कर रहे हैं अच्छा। फिर उस वाटर मार्क्स लग रहे हैं सिस्टम लग रहा है तो वो बहुत तरीके से काम हो रहा है लंबा प्रोसेस है ना ऐसे ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज रिलीज हो जाए जो कि आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो यू आर ट्राइंग टू लाइक मेक दिस रियली हाई क्वालिटी थिंग देखो मूसा माफिया से लड़ रहे हो ना तो कल सबसे पहली बात ये होगी फ्री कोर्स है दो टके का कोर्स है

में जा रहे हो एक बंदा जो दो वक्त का खाना नहीं खा सकता तुम तो उसकी दावत में सबसे बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हो सबसे अच्छी घड़ी पहन के जा रहे हो अरे भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे वो 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 चेहरे पे करेंगे पीछे से से गालियां देंगे जलेंगे वो बात होगी जब आप लूज कर देते तो आपकी फिर औकात नहीं रहती यार देखो पैसे से जिस बंदे ने इज्जत बनाई है ना वो टेम्पोर है जब मनी ड्राई आउट होना शुरू होता है वो पीछे मुड़ता है लोग बुराइयां करते हैं दुनिया में दो तीन लोग क्यों नहीं रहते सिर्फ क्यों इतनी बड़ी आबादी है क्यों ये ये सिस्टम क्यों है कि पॉपुलेशन ग्रो होती रहती है लोग पैदा होते रहते हैं हम हम एक एक दूसरे दूसरे के लिए आए आए हैं सोशल एनिमल्स की मदद मदद करने हुए पे और मदद में ये नहीं कह रहा कि खुद खाना नहीं खाओ और मदद कर दो पहले अपना पेट संभालो फिर अपनी फैमिली के पांच लोगों का संभालो दोस्त को भी भूल जाओ फैमिली के पांच लोगों का संभालो फिर अपने करीब के बीस लोगों का संभालो दोस्तों को एंटर कर लो उसमें फिर सौ लोगों पे जाओ मैं सेल्फिशनेस इस तरीके से सिखा रहा हूँ जिसे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है उस तरीके से नहीं सिखा रहा कि मैं से ही आगे नहीं निकल ले क्योंकि अगर मैं फंस गए किसी की मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि दुनिया में चीजें इतनी है खत्म ही नहीं होंगी लेते रहोगे हर साल नया आईफोन आएगा हर साल नई गाड़ी का मॉडल आएगा क्या क्या लोगे भाई अभी आपने फैमिली की बात की फैमिली सिस्टम की और अपने फैमिली को ग्रो करने आपने कहा कि दुनिया में एक से दो बंदे क्यों नहीं होते हैं है? हम सिस्टम क्यों ग्रो करें इट्स ऑल अबाउट हैविंग एंड बिल्डिंग फैमिली राइट तो मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे एक यंग बच्चा है ठीक है अब ये थोड़ा इस्लामिक परस्पेक्टिव ला रहा हूँ उसमें यंग बच्चा है या बच्ची है लड़का लड़की ठीक है अपने ट्वेंटीज में है आपको लगता है की ये जो रिलेशनशिप होते हैं मियाँ बीवी वाले मतलब कि अगर वो बंदा शादी करके अपने बिजनेस लाइफ या अपनी कर प्रोफेशनल करियर पे फोकस करे या उसको किए बगैर पहले अपने आप को बिल्ड करे और फिर उन चीजों की तरफ जाए यू थिंक अगर बंदा सेटल हो जाए आ, शादी करके ये चीजें कर सकता है और अपने लाइफ को करियर को आगे लेके चल सकता है जवाब आप खुद दोगे एक इंसान एक दुकान से पांच घर बना सकता है या पांच घरों से एक दुकान बना सकता है यू आंसर में एक दुकान से एक दुकान से पांच घर बना सकता है तो इसका मतलब पहले दुकान बनानी है अच्छा जो इंसान के बेसिक एयर्स होते हैं ना और मैं इसमें इस्लामिक एलिमेंट ऐड करूंगा बिकॉज़ आई सी योर फेस इसमें जो इंसान की जो बेसिक एज होती है ना 10 से लेके 14 15 साल ये एज होती है आपकी डेवलपमेंट की मेंटल डेवलपमेंट की और इस्लामिकली कहा जाता है कि आप بالغ होने के बाद यू यू कमिट टू समवन या लेकिन अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि वो जो अपनी कमजोरियां हैं उनको कंट्रोल करे नहीं करता कुछ मैं नहीं मैं, कर... मैं आता हूं अल्लाह ने इंसान को जानवर और हम में क्या फर्क है कॉन्शियस जानवर डज दे फील लाइक ह्यूमन्स डू वुड टू डू जानवर वो करते हैं जैसा वो महसूस कर रहे होते हैं इंसान वो करता है जैसा उसको करना चाहिए yeah. आदमियों के लिए फीलिंग नहीं है और ये बुराई ज्यादा आदमी से ही फैलती है Let me just clarify on that. तो अल्लाह ने आपको इतना ताकतवर बनाया है की आप दो तीन साल उस चीज को एज मोटिवेशन यूज करो कि यार मैंने शादी करनी है <laughs> me speed up this मैं भाग के करूँ ये काम जो मुझे कल करना है असल में मैं मैं जो कंपेरिजन कर रहा हूँ ना वो उन तीन चार परसेंट लोगों से नहीं कर रहा जो ऑलरेडी सब बैलेंस करके चल लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस करके दोनों चीजें कर लेते हैं मैं आता हूँ उसमें जी बिल्कुल आते हैं कंपेरिजन <laughs> उन लोगों से कर रहा हूँ जो दोपहर में तीन बजे उठते हैं सुबह चार पाँच बजे सोते हैं अपना काम वक्त पर नहीं करते अपनी खाने के बाद प्लेट नहीं उठाते बाप काम पे गया हुआ होता है वो सो रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ की भाई अगर तुम कहते हो कि मेरे बाले कोने की उम्र में शादी होनी चाहिए बेटा तुमने शादी करने वाला ऐसा काम क्या किया है हाँ तुम लड़के से मर्द बने हो अभी क्या पहले तो तुम्हें लड़के से मर्द बनना है कुछ ऐसा लाइफ में पुटा है कि तुम एक और बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल क्यों करेगी तुमसे शादी क्या है तुम में कुछ भी नहीं है <laughs> औरत अपनी वैल्यू लेके पैदा होती है आदमी को अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है That's true. That's तो भाई, तुम, तुम, तुम अपनी वैल्यू, वैल्यू बनाओगे फिर तुम निब्बा निब्बी वाला गेम खेलो वैल्यू नहीं बनाई यू डोंट इवन डिजर्व लव इन माई ओपिनियन लेकिन अगर वो स्ट्रे हो रहा है आजकल आपको पता है सोशल मीडिया में सारा जितना फितना आप तो अपने ड्रामा में भी आ गया पाकिस्तानी ड्रामा में वो बर्जर एक शो है बर्जर बर्जक जो भी है तो वो तो इतना फितना फैल रहा है इतना फितना फैल रहा है कि एक लड़का आप क्या करे पहले तो कंट्रोल हो जाता था, था ना आप तो चलते फिरते ही चीजें नजर आ रही है तो वो उसका माइंड हर वक्त क्लाउडेड होता है अभी मैं औरतों की तो बात करूंगा लड़के का ये मैं तो उसमें आप क्या कहोगे

डेजर्ट में रह रहे हो तो उसको रोजा थोड़ी बोलते हैं वो वो तो है। तो मजबूरी मजबूरी है है तो हिम्मत दिखती वहां पे है जहां पे आपको नहीं करना और आपके सामने है। तो आपका कहने का मतलब है कि डोंट डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर नीड या अपनी फीलिंग डोंट डू इट बिकॉज ऑफ योर फीलिंग इसकी नीड अगर तुम्हें तो है तो उसके लिए मेहनत करो स्ट्राइव करो कि तुम एटलीस्ट थोड़ी सी लाइफ अगले को दे सको अपने साथ रखने के लिए या कुछ जो भी लड़का फीलिंग के हिसाब से चलता है ना वो बच्चा है वो लड़का नहीं बना लेट्स जस्ट लीव इट दैट और अगर औरत की बात, बात जाएगी मेरी फीमेल ऑडियंस भी काफी कर उनके लिए आप क्या कहोगे कि उनको भी अपने आप को बिल्ड करना चाहिए क्योंकि अब तो गुरुस कहते हैं औरतों को भी करना चाहिए कैंडल एक तो comparison भी देखो कहां करें जिनके फैमिलीज फैमिली बिलियन है मैं एक आम लड़की की बात कर रहा हूँ जो की एजुकेटेड है सब कुछ है उसके पास लेकिन मैन ऑस में डिफरेंट जगह बातें होती है की औरत की एजुकेशन इतनी नहीं मैटर करती जितने उसके अदब अदाब करते हैं तो अगर औरत है उसको शादी कर लेनी चाहिए और लेट से वो करियर आगे चलाना चाह रही है तो like, uh, focus on those बिल्कुल असल में देखो बाहर से ये एजेंडा इसलिए पुश किया जाता है क्योंकि उनको कंज्यूमरशिप बनानी है आप नाइनटी परसेंट टीवी जाके देखना ही सब लोग नाइन्टी परसेंट टीवी चल रहे होते हैं है। है फॉरन नहीं वो अडॉप्ट कर लेती है वो कंज्यूमरशिप के लिए फैलाया जा रहा है हम जो एजेंडा फैलाना चाहते हैं वो फैमिली सिस्टम का एजेंडा है फैमिली सिस्टम में औरत काम भी कर सकती है बच्चे भी पैदा कर सकती है तालीम भी ले सकती है कर सकती तीनों चीज वो मिसकनसेप्शन है, है कि नहीं कर सकती आप पीएचडी करो और आप काम भी करो आप बच्चे भी पैदा करो फैमिली सिस्टम प्रमोट करो जो मार्केट प्रमोट कर रही है उसको कहते हैं कंज्यूमरशिप जिसमें घरों को तोड़ा जा रहा है ताकि दो घर बने दो गाड़ियां बने ज्यादा पेट्रोल खर्चो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है बच्चों का कोर्स जब आपके बच्चे को एक नर्सिंग होम बड़ा करेगा एक स्कूल बड़ा करेगा या उसके दोस्त बड़ा करेंगे या यूट्यूब और टिकटॉक बड़ा करेंगे तो क्या बीस साल बाद दुनिया में और अच्छे लोग होंगे या आज से ज्यादा बुरे लोग होंगे आज अभी ज्यादा अच्छे लोग हैं हम नहीं कहते पुराने जमाने के लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं आजकल के लोग उसको क्या अपना करियर पैथ पे ज्यादा करना, करना चाहिए और अपनी पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि जो एजेंडा पुष हो रहा है उसके खिलाफ योर व्यूज अपना प्राइमरी गोल अपनी को देखते हुए बनाओ अगर आपकी फैमिली आपकी एजुकेशन और आपकी काम को इम्पोर्टेंस देती है वो सब करते रहो लेकिन साथ में अगर कोई इंसान का बच्चा मिल जाए जिसने मेहनत की हुई है जिंदगी में अकोम्पलिश किया हुआ है और तुम इस वजह से वेट कर रही हो कि टाइम इज नॉट राइट देन यूर मेकिंग अ मिस्टेक। इंसान का बच्चा रस्ते के बीच में ही मिलेगा कभी भी टास्क कंप्लीट होने के बाद नहीं मिलता कभी भी ये नहीं सोचो कि टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे सही बंदा मिल जाएगा मे बी यू कैन हेल्प बिल्ड एक बात बात कर रहा हूं। देखो कर दो, कर रहा देखो दो दो औरतों की जो लाइफ है है ना वो एक एसेट ट्रू छब्बीस के बाद सत्ताईस के बाद आप डिप्रिशिएट हो रहे हो आप अप्रिशिएट नहीं हो रहे हो आपको छब्बीस में जो लड़का मिला था अच्छा पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि आपको इकतीस के बाद भी वैसा लड़का मिलेगा बहुत कम चांस है क्योंकि जो अकॉम्पलिश सुलझा हुआ बंदा होता है ना वो यंग मेड ढूंढ रहा

प्रायोरिटीज होती है ना जिंदगी में ये जो आजकल के खैर आजकल ये कम हो गया ये जो सीन होता है ना कि तुम्हारे लिए, तुम लिए live live प्रायोरिटी सेट sure की हुई है वो यहां भी टाइम एलोकेट हो रहा है वहां भी टाइम एलोकेट हो रहा है ये नहीं हो कि बच्चा बिगड़ रहा है और वो अपना जॉब में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने में लगी हुई है बच्चे को भी टाइम देना बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो मैंने इसी से पूछना था लड़कियों के बारे में क्योंकि आप इतनी बात नहीं होती ना तो मैंने इसलिए उनके फ्यूचर के लिए लड़के तो आप कहते हैं ना बिल्ड करो वो करो उस पर सारी बात की लड़की के लिए आप कैसे कहते हैं ताकि देखने वाले मर्द को भी पता चले कि उसने किस तरह का बंदा बनना है जो कि हाई वैल्यूज पे जा लड़की के लिए स्टेज वन तो खैर लोग सभी जानते हैं वो मिलते जुलते बात करते हैं स्टेज टू में अगर आप घर जाना हो ना सबसे पहले ये देखो कि लड़के की माँ को घर में कैसे ट्रीट किया जाता है अगर लड़के की माँ को घर में इज्जत मिलती है ना तो तुम आओगी तुम्हें भी इज्जत मिलेगी लेकिन अगर लड़के की माँ का ही मुंह चढ़ावा रहता है ना उसने कुछ तो देखा है अपनी जिंदगी में पहले जो वो बता नहीं पा रही है क्या बता तो फिर यार इंसान अच्छे बुरे हर जगह होते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन चंद मुलाकातों में बता देती है कि वो कैसा इंसान है स्पेशली सोशल एस्पेक्ट है बिजनेस एस्पेक्ट से तो आप नहीं बता सकते सोशल एस्पेक्ट में आप बता सकते हैं बाकी आप ये देखो कि बंदा किन हालात से आया है बहुत है किन हालात से आया hmm. क्या उसने अकॉम्प्लिश किया है वो अपने से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है जब आपको बाहर लेके जाता है वेटर से कैसे बात करता है वो क्योंकि मैं ये देखता हूँ पाकिस्तान में जब जाता हूँ वेटर से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं लोग सबसे है ना बहुत गलत बात है हमें तो बड़ा फील होता है बिकॉज आप उस बंदे को ये याद दिला रहे हो अपनी प्रेजेंस से कि ये तुम्हारी औकात है तुम आगे नहीं बढ़ सकते और मैं उस बंदे को रोज बताना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात इससे ऊपर है तुम आगे बढ़ सकते हो तुम कर सकते हो उस बंदे को भी देखो जो कि मे बी उसके पास अभी वो ऑन द पैथ हो एक ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए वो माइंड देखना एक लड़की के लिए बहुत वेट और मैं वैसे कहता हूं इमोशनल कंट्रोल वाली उस पर आप कुछ कहोगे लड़के के अंदर इमोशनल कंट्रोल फीलिंग्स क्योंकि हम उस उसपे बात किए इमोशनल कंट्रोल लड़के में ही जरूरी है कि वो जैसा

केट जीना क्लीशे क्वेश्चन बर्ड छोटे लफ्जों में सुबह वक्त पे उठो और काम शुरू कर दो नहीं लेकिन

यूनिवर्सिटी की अभी हमारा प्लान सितंबर में लॉन्च करने का है बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन हो गए हैं अभी भी हम सर्वे में वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एस्टिमेट कुछ चार से पांच लाख लोगों का था वन लोगों ने एनरोल किया है बहुत से लोग कह रहे हैं फॉर्म नहीं चल रहा फॉर्म एक्चुअली चल रहा है कभी कभी बहुत ज्यादा लोग एक साथ करते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है तो कीप ट्राइंग इनशाला हो जाएगा प्रोफेसर को हम वेट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस और और प्रोग्राम्स एड करते जा रहे हैं इसकी मैं अपडेट दूंगा दो तीन दिन बाद और इसका फॉर्म फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा देता हूँ बिल्कुल आप यहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर का फॉर्म भी लगा दें स्टूडेंट्स का भी लगा दूंगा प्रोफेसर जो टीच करना चाहते हैं स्टूडेंट्स का उनका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में इसको पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं डोंट डॉन्ट फॉर गेटेट टूक्राइब मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा ताकि आपको हर चीज की अपडेट रहे और मुझे और साथ भाई को आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी एडवाइस मिलेगी इनशाला आगे फ्री यूनिवर्सिटी की अपडेट भी आती रहेगी इसी के साथ थैंक यू साथ भाई इट अ वेरी गुड पॉडकास्ट